हमरा नाम है रतन नूरा। काम करूंगा खत्म पूरा। सिद्धू पाजी, हाँ जी, आज नहीं रहेगा कोई अधूरा। मैं ज्यादातर शराबी की बातें बताने के लिए मशहूर हूँ। शराबी जो होता है, कट्टर शराबी, वो उसका कोई धर्म नहीं होता। वो दुनिया में आया ही पीने के लिए। उसका कहने का मैं जीने के लिए नहीं आया, मैं पीने के लिए आया हूँ। उसको आप बताओ शराब के नुकसान बताओ, सुन लेगा। हाँ भाई यार, शराब मत पिया कर। क्यों, क्या, क्या? क्या नुकसान है भाई? भाई शराब पीने से तबीयत खराब होती है। वेरी गुड। आगे? दौलत खराब होती है। वेरी गुड। आगे? इज्जत खराब होती है। वेरी गुड। आगे? बस हो गया, शराब के नुकसान बता दिए, अभी बैठ शराब पीने के फायदे सुन। और वो टैलेंटेड शराबी इतने फायदे बता देगा क्या, जो समझा रहा था वो बोलेगा दारू मंगाओ, अभी मंगा। अभी यहाँ पे जितना युवा पीढ़ी देख रहा हूं मैं, लड़कियां ज्यादातर बेरोजगार को पसंद करती है। अच्छा, बेरोजगार लड़का उसको बहुत पसंद आएगा, कितना ख्याल रखता है मेरा। मैं जब भी फोन करूं फौरन मेरे पास आ जाता है, मुझे बिल्कुल, मैं जब भी कोई फोन करूं वो मेरा फोन उठा लेता है। बहन उसके पास कोई काम ही नहीं है। वो तो शादी के बाद पोल खुलती है कि सचमुच किसी काम का नहीं है, बेरोजगार एकदम। और अभी जो नोटबंदी हुई थी पाजी, याद है ना आपको? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। तारीख थी 8, हिल गया था मार्केट। सब लोग लाइन में लगे थे। वो एक कहावत थी ना, लोग बोलते थे यार, नोटबंदी से पहले घर का बुजुर्ग बोलता था, मेरे घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई, 8 बच्चे हैं, कोई लाइन से नहीं। पीएम साहब ने ऐसा अनाउंसमेंट किया, सारे लोग लाइन में लग गए। सारे लोग लाइन में लगे हुए और सबके मिक्स रिएक्शन। कोई कह रहा है अच्छा हुआ, वेरी गुड, अच्छा बिल्कुल अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ यस 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 यस। कोई ऊपर से उनके सामने में नमक छिड़कने के लिए मीडिया पहुंच गया। अब वो समझ गया कि मीडिया सामने, तो थोड़ा एडजस्ट भी कर रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं, पीएम साहब ने अच्छा किया। क्या बात है, ये सब हो रहा है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भक्त जनों भावनाओं को समझो। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया सुनील भाई, बहुत 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 बढ़िया, थैंक यू सो मच भाई। आपका राजू श्रीवास्तव नाम पहले तो नहीं था? श्रीवास्तव चलो आपका सरनेम है। राजू मेरा घर का नाम है। अच्छा, हाँ ये मैंने रखा नहीं जानबूझ के। राजू मेरा बोलने का नाम है, मोहल्ले का नाम है, दोस्तों वाला नाम है। और स्कूल में मैं गया हूँ स्कूल। हाँ। सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। अच्छा। इसको हटा दिया, मुझे वकील लगता है। सत्य प्रकाश। राजू ठीक है। चलो भाई आपका कोई निकनेम नहीं है? नहीं, मेरा नाम सुनील पाल। एक ही नाम है। देखा भाभी आपको बुलाती हैं तो कुछ और नाम से बुलाती हैं। हाँ, वैसे एजी वो क्या बुलाती बताओ? एजी अबे गधे। नहीं सीरियसली, क्या क्या बोलती हैं आपको? असल में ये राजू भाई के घर का नाम है। राजू भाई की यहाँ पे वाइफ भी मौजूद है। जी जी। अरे भाभी एक छोटा सिंपल सा सवाल है, पूरी दुनिया को हंसाते हैं तो, इतने हरफन मौला कलाकार हैं, आपको हंसाते घर में एंटरटेन करते कि नहीं? कभी किया है? राज की बात है। घर में पेमेंट नहीं मिलता। हाँ,
पर बहुत अच्छा लगा आप भी यहाँ पे आई, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. तो मुझे आपका घर का, मुझे प्यार से वो सोना कहती है, काला सोना. इनको देखिए, फोटो कॉन्फिडेंस. वो मुझे सोना कहती है, मैं उन्हें तित्तू कहता हूँ. आप क्या कहते हैं? तित्तू. ऐसे क्यों? उनका नाम तो कुछ और है. मैं उनको तितली कहता था पहले. अच्छा. अब घर पे अच्छा नहीं लगा बच्चों के सामने, सबके सामने तितली कहाँ जा रही हो. तितली कहाँ. तो मैं तित्तू कह देता हूँ. राजू भाई आपने, सुनील भाई आपने, शान भाई आपने, आपने आपने बहुत मेहनत की है. आप नागपुर से हैं, आप भी नागपुर से हैं, आप कानपुर से हैं. अच्छा, पुरपुर तीनों में लगा हुआ है ना? पुरपुर लगा हुआ है, लेकिन सर तुम्हारे पास ही है, अमृतसर. अरे सुनो भाई. अच्छा एक क्वेश्चन मुझे पूछना है एक्चुअली. ये क्वेश्चन है राजू भाई के लिए और एहसान भाई के लिए. हाँ. वो इसलिए ये क्योंकि सुनील भाई और मेरे में एक सिमिलरिटी है. इन्होंने भी एक फिल्म प्रोड्यूस की, दो की. हाँ. और मैं भी एक पंजाबी फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक हिंदी. तो सुनील भाई ने भी फिल्में प्रोड्यूस की. यस. हमारी वाली भी आने वाली है. आपको नहीं लगता कि बीइंग ए स्टैंड अप कॉमेडियन आप दोनों की तरक्की कम हुई है? देखो तुम्हारी जो फिल्म बन रही है जी, वो तो आएगी. हाँ. तब देखेंगे. राइट. और इनकी दो मैं देख चुका हूँ. तो मैं तो मुझे लगता है हम लोग जाएं वहाँ. ठीक है. बहुत बहुत मजा आया आप तीनों से मिलकर आज. हाँ. जैसे अलग अलग जगह पे कॉमेडी शोज होते रहते हैं, आप सब लोगों ने ढेरों सारे शोज किए हैं, मजा तो आता है शोज में, लोग भी इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करते हैं. कभी कोई ऐसा शो हुआ है कि आप, आपको लगा हो कि यार फंस गए हम, कहाँ आ गए हम? एक बार तो बिल्कुल अजीब हुआ. पहले तो मोबाइल वगैरह जब नहीं थे और एग्रीमेंट नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं, खाली फोन पे बोलते थे 12 तारीख जो 8:30 बजे पहुंच जाना. हम लोग ऐसे पहुंच जाते थे टैक्सी लेके. तो एक 5-स्टार होटल में शो था, टैक्सी रोकी, जैसे अरे अरे ओहो राजू श्रीवास्तव आ गए, ओहो वो तो कॉमेडी करे, अच्छे अच्छे थे, कॉमेडी करो, अच्छा ठे 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 आ जा. और भैया सुन साइलेंस हो जाओ, वो देखो हंसा हुए हैं, वो हंसा बहुत अच्छा, माइक दे, ताली बजाओ, माइक दो, हंसा दे, बहुत चोखो हंसा हुए भैया, बहुत अच्छा हंसा है. मैंने कुछ हंसा है, कुछ प्रोग्राम वाम हुआ, उसके बाद निकला, एक गिलास पानी पिया, एक दो लोगों ने फोटो वोटो खिंचाई, बाहर निकले तो एक हमारा इवेंट वाला ऑर्गेनाइजर, कहाँ थे यार तू, कहाँ थे, मैं परेशान हूँ, कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ थे, पार्टी ने पेमेंट रोक लिया है, तुम अब आ रहे हो आने का टाइम, तो अभी से अमिताभ बच्चन बन गए हैं, ये आने का टाइम है. मैंने कहा मैंने तो अभी प्रोग्राम किया है. कहाँ किया है? हमने कहा वो ग्राउंड फ्लोर में. अरे अपना 5 माले पे ऊपर. बढ़िया बढ़िया. तो कहाँ प्रोग्राम करके आ गया? पता चला मैं दूसरी जगह प्रोग्राम कराया. मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और जो सेठ जी हैं वैसे बैठे हैं गिलास लिए वैसे. मुजरा देख रहा है. मुजरा देख रहा है. और उनका बेटा बहुत लाडला था, वो 15-20 साल बाद मन्नतों से पैदा हुआ था. तो जितनी बदतमीजी कर रहा था ये उसको रोक नहीं रहे थे. तो मैं वो ऐसे सुन रहे हैं और उनका बच्चा मेरे पास आके बोला, अंकल आप ये क्यों सुना रहे हो? आगे जाके अंकल ये कब तक सुनाओगे? अंकल बंद करो ना. और वो उनके पापा जो पैसे वाले हैं वो गिलास दे. देखो करने नहीं दे रहा है. अरे विकास देखो इतने शो किए हैं मगर ये डब्बू करने नहीं दे रहा है. अच्छा वो फिर मेरे मुंह पे आके अंकल. अंकल आप ऐसे ऐसे जोक सुनाते तो क्या होता है? ऐसे जोक सुनाने से क्या होता है? ये जोक आप मेरे को हंसी भी नहीं आ रही. अंकल कोई डांस करो ना, कोई अच्छा डांस. अच्छा अंकल आपको ऐसे कितने जोक याद है? 1, 2, 4 मेरे को 20 याद है. 20. अंकल बंद करो ना.
क्या बात है, सुपर। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates